सो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, मैंने अपने ड्रीम बाइक को परचेज किया था, बट उसी टाइम पे मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे एक न्यू जॉब ज्वाइन करना पड़ा। बट जब मैं उस जॉब से 2 दिन पहले वापस आ रहा था, तब देखो मेरे साथ क्या सीन होता है। यार ये प्राइवेट जॉब वाले कितना काम कराते हैं, मेरा पूरा हालत ही खराब कर दिया इन लोगों ने। आज घर जाके सबसे पहले तो मॉम के हाथों से बना हुआ टेस्टी खाना खाऊंगा सबसे पहले, और उसके बाद जाके एकदम अच्छे से आराम करूंगा, सो जाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पार्क कर देता हूँ गाड़ी, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे जाके देखता हूँ मॉम ने क्या खाना बनाया है। मैं आ गया घर, मॉम कहाँ हो आप यार, मुझे जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने को दे दो, यहाँ भी नहीं हो। अरे हो कहाँ यार, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, मॉम जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, यहाँ भी नहीं हो। 1 मिनट लगता है किचन में कुछ खाने को बन रहा है, देखता हूँ। अरे ये गाना का आवाज, अरे भाई साहब लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा, ये कौन है? ओ हेलो, कौन हो तुम? मेरी मॉम कहाँ पे है जल्दी से बताओ मेरे को। अरे ये सब बंद करो यार, हो कौन तुम, जल्दी से ये सबको खत्म करो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। मूर्ख बालक, तुम मुझे मारोगे? मैं हूँ ग्रैनी वर्ल्ड की ग्रैनी। अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा मैं बोलूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। अरे पागल बुढ़िया, जल्दी से बताओ मेरी मॉम का, नहीं तो मैं तुझे मार मार के चटनी बना दूंगा। अरे कहाँ चले गई? नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगा, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ और मुझे बताओ मुझे अपनी मॉम को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लीज मेरे सामने आ जाओ। अब आया ना लाइन पे, अब जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुन, नहीं तो तू भी मरेगा और तेरी माँ भी। तुझे मेरी दुनिया ग्रैनी वर्ल्ड में जाना है और वहाँ जाके मुझे आजाद कराना है। उसके लिए तुझे एक पेंटिंग वहाँ पे मिलेगी, लेकिन उसे मेरी बहन ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तुझे सबसे पहले उस पेंटिंग को छोड़ना होगा और फिर मुझे वहाँ से आजाद करना होगा। जब तक वो पेंटिंग आजाद नहीं हो जाता, यानी कि छोड़ नहीं जाता, तब तक मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती हूँ। तो तूने मेरा ये काम कर दिया तो ही तुझे और तेरी माँ को मैं छोड़ूंगी, तो अब चल। लेकिन मैं वहाँ जाऊंगा कैसे? वो मैं बता रही हूँ तुझे, चल मेरे पीछे उस तालाब के पास जो तेरे घर के पास है। चलो जल्दी जल्दी से चलता हूँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो तालाब के पास आ गया। अरे ओ ग्रैनी कहाँ हो यार, मैं तालाब के पास आ चुका हूँ। अरे चिल्ला क्यों रहा है, सीधा उस तालाब में जाना, मैंने उसमें पोर्टल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जा तू अब उस तालाब में पहुँच जाएगा। ओके ग्रैनी मैं जा रहा हूँ सीधा, लेकिन यहाँ पे तो, अरे हाँ वो लाल दिख रही है क्या, ये कैसे जगह पे आ गया मैं, यहाँ इतना अंधेरा क्यों, और ये दुनिया उल्टी क्यों है, और इतना अजीब क्यों लग रहा है। अब धीरे धीरे सीधा हो रहा है, लगता है मेरा सर घूम गया था। आते आते यहाँ पे अब मुझे उसके टुकड़े ढूंढने हैं पेंटिंग के, लेकिन कहाँ पे मिलेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ उसने बताया था कि उसका पेंटिंग को उसकी बहन ने जो है तहखाने में छुपा के रखा है, यहाँ पे ये नीचे में उसकी बहन थी शायद। अब हम लोग यहाँ पे आराम आराम से ढूंढते हैं, क्योंकि उसकी बहन हमें पूरी मारने की कोशिश करेगी। यहाँ पहले देख लेते हैं उसका पेंटिंग कहाँ पे, ये रहा उसका पेंटिंग, इसी को हम लोगों को जोड़ना है और इसके पेंटिंग के टुकड़ों को जोड़ के आजाद करना है इसे। अब ढूंढते हैं इसके पेंटिंग के टुकड़ों को, यहाँ पे इसका पेंटिंग का पहला टुकड़ा है, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो ग्रैनी है, भागना पड़ेगा, इसकी बहन पीछे ही पड़ गई है यार। इसको मैं एक काम कर देता हूँ, फटाक से ले जाके जोड़ देता हूँ, ताकि कम से कम एक मिशन तो हो जाए। चलो ये हो गया, एंड अब इसका दूसरा टुकड़ा यहाँ पे है, इसे मैं जोड़ देता हूँ, लेकिन ग्रैनी आ गई फिर से। भागो यार, अब कैसे बचूं? चलो भागता रहता हूँ एंड यहाँ पे ही कूद के बच जाता हूँ। भाई साहब ये काफी खतरनाक जगह है यार, लेकिन हम लोगों को मिशन तो करना पड़ेगा, इसको ले जाके इस बार मैं फटाक से जोड़ देता हूँ, इससे पहले कि आ जाए फालतू वाली ग्रैनी। ये तीसरा पेंटिंग मिल चुका है हमें, एंड इसे भी जोड़ दिया। अब आखिरी टुकड़ा बचा है, इसे जोड़ते ही हम लोग उसे आजाद करके अपनी दुनिया में जा सकते हैं। अब ढूंढते हैं कहाँ पे है आखिरी वाला टुकड़ा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ग्रैनी भी आ गई है फिर से, इधर से कूद के मैं फटाक से भाग जाता हूँ, नहीं तो वो हमें कचुम्बड़ बना देगी मार मार के। यहाँ पे हो का आखिरी टुकड़ा बता दो मुझे। अरे ये क्या, यही पे है, अरे मुझे बताते क्यों नहीं हो तुम, ये क्या। चलो अब जल्दी से मैं इसे जोड़ के
फटाफट से यहाँ से निकल जाता हूँ, नहीं तो वो ग्रह ने मुझे मार देगी। यार ये इसे जोड़ दिया, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, लगता है ग्रहणी की आत्मा आजाद हो गई यहाँ से। चलो हम लोगों को ग्रहणी ने बताया था कि यहाँ से हम लोगों को जाते रहना है, एंड उसके एक कुएं के पास एक बक्सा है जिससे पोर्टल खुलता है किसी भी दुनिया में जाने का। तो उस पोर्टल के पास जाके हमें अपनी दुनिया का नाम बोलना है और हम उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। ये रहा इसका कुआं और वो रहा सामने में बक्सा, एंड अर्थ 52 पहुंचा दो। अरे ये क्या, मैं तो आसमान से गिर गया यार, ये क्या, मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ बच जाऊंगा? क्या ये टेलीपोर्ट वाला में बचने का भी शक्ति रहता है? ये क्या, मैं तो बच गया यार, सुकून मिला। अब चलो जाके देखते हैं क्या उसने मेरी माँ को मार दिया है या फिर मैं उसे अभी भी बचा सकता हूँ। मैंने उसका काम तो कर दिया है, अब उसे अपना वादा को पूरा करना चाहिए। यहाँ पे सामने में तो मैं अपना घर को देख पा रहा हूँ, अब देखते हैं उसके अंदर में कुछ डेंजर चीजें होने वाली है या फिर आज हमारा दिन अब बढ़िया हो जाएगा। जल्दी से जाके देखते हैं क्या हुआ है आखिरकार यहाँ पे। ग्रैनी कहाँ हो, मेरी माँ कहाँ है, जल्दी से बताओ मुझे, मेरे सामने आओ, आखिर हो कहाँ पे तुम, मुझे बताओ जल्दी से। अरे मूर्ख बालक, चिल्ला क्यों रहा है, अपने घर के पीछे मैं जाके देख, तेरी माँ को मैंने बहुत पहले ही आजाद कर दिया है, यहाँ क्या चिल्ला रहा है तू? ओके ओके ग्रैनी, मैं देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं दिख रही है। ग्रैनी ने मुझे झूठ तो नहीं ना बोला यार, यहाँ पे तो दूर दूर तक मेरी माँ आस पास में दिख ही नहीं रही है, उसने छोड़ा भी कि नहीं छोड़ा, यहाँ पे तो कोई नहीं है यार, अब मैं क्या करूँ? एक सेकेंड, अरे यार ये तो मेरी मॉम है, थैंक यू सो मच गॉड, मैंने फाइनली बचा लिया अपनी मॉम को। अरे ये क्या है, अरे मॉम आप गुस्सा करना बंद करो यार, ये देखो ना ग्रैनी फिर से कुछ अपना जादू चला रही है, आप थोड़ा देर शांति से बैठो यार, मुझे परेशान मत करो, पहले देखने दो ये ग्रैनी क्या कर रही है। तुझे पता चल गया कि ये मैंने किया है, चल धीमे इस दुनिया पे कब्जा करने वाली हो, क्योंकि मुझे ये दुनिया बहुत पसंद आ गई है, अब मैं अपनी ग्रैनी दोस्तों के साथ यहाँ पे आऊंगी और तेरे दुनिया पे कब्जा कर लूंगी, इसे अपना बना लूंगी। तो आप लोगों ने देखा कि ग्रैनी को हमारा वर्ल्ड पसंद आ चुका है, एंड वो जल्दी अटैक करने वाली है हमारे वर्ल्ड पे, बट उसे नहीं पता है कि हमारे पास सुपर पावर्स हैं, एंड हम लोग भी उसका डट के सामना करने वाले हैं। तो जैसे ही ग्रैनी इस बार अटैक करेगी, हम लोग अपना सुपर पावर उसे दिखाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया यार, तो लाइक कर देना, इसका नेक्स्ट पार्ट पे काम चालू हो चुका है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल देना ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए, एंड नेक्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा यहाँ पे देख लो यार। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।